छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। देखे ना जी, नया काम शुरू करेंगे तो ही अच्छा रहेगा ना, क्या पता कब कौन सा बिजनेस कामयाब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, आप तशरीफ ले आए हमारे घर, इंतजार करेंगे हम जी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। लड्डू गुलाम, अरे जल्दी आओ। अच्छा, रिपोर्टिंग बेगम जी। मम्मी जी आपने बुलाया? भाई वो आज हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना कोई काम होगा। क्या मतलब? अरे नहीं मम्मी जी, कोई मतलब नहीं, आप ये बताएं हमें क्यों बुलाया। भाई वो हमारे इन्वेस्टर के भाई हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं ना, इस सिलसिले में आ रहे हैं। अरे तो फिक्र ही नहीं करें, ऐसे ऐसे मशवरे देंगे। हाँ, के भाग जाएंगे। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते कुछ ना करिएगा आप लोग। अरे मम्मी जी, जब कुछ करना ही नहीं है तो हमें किचन में डिस्टर्ब क्यों किया। लड्डू, मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि पूरे घर की सफाई करो, और हाँ उनके सामने तमीज से रहना। अरे वो तो आप फिक्र ही मत करें मम्मी जी। मम्मी जी तो तुम्हारी, मेरी मम्मी, बेगम बेगम। चलिए जाइए, लग जाए फौरन काम पर। चले ससुर जी, ऑफिस में ओवरटाइम का वक्त शुरू होने जाता है। चले चले लड्डू आ जाओ। बातें बहुत बनाते हैं आप लोग, मुझे पूरा घर साफ चाहिए, शीशा करो शीशा। मम्मी जी फिक्र नहीं करें, चका चक चमका दूंगा। हाँ लड्डू आ गए, लड्डू आ। ये क्या है, यहाँ किसने चिपका दिया ये? दिमाग को तेज करने वाली दवाई, ये क्या तरकीब है? ससुर जी को दिखाता हूँ। ससुर जी ये देखिए क्या है। अबे खुद देख के बता दे क्या है ये। अरे ये दवाई है। अबे ना मैं इतना बुढ़ा हुआ हूँ यार, और ना मेरी आंखें कमजोर है कि दवाई खाऊ मैं यार। अरे ये वो दवाई नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो भी कौन सी दवाई है भाई? ये दिमाग तेज करने की दवाई है, इसको पीने के बाद इंसान का दिमाग 10 गुना ज्यादा काम करने लगता है। तो फिर मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं? देखिए ना, इन्वेस्टर आ रहा है ना, हम दोनों की दवाई पी लेते और अपना दिमाग तेज कर लेते, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मम्मी जी भी खुश हो जाएंगी और इन्वेस्टर भी थोड़ा हमारे से मुतासर हो जाएगा। ये देख मेरे हाथ जुड़े भाई, माफ कर दे भैया, मैं दवाई नहीं पीऊंगा भैया, समझा? मैं कह रहा हूँ एक बार और सोच लो। अबे मैं सोच चुका हूँ, मैं 10 बार पहले से ही सोच चुका हूँ। पहले से मतलब? तेरी किसी बात या मशवरे पे अमल नहीं करना है मैंने। अच्छा, अपने लड्डू के साथ ऐसा करोगे तुम? है यार देख लड्डू, चला जा तू, मुझे, मैं बता रहा हूँ बहुत गुस्सा आ रहा है, इनको बहुत प्यास लगी है यार। किनको, किसको पानी पिला रहे हो? कोई भी तो नहीं है। अबे पौधों को पानी पिला रहा हूँ यार। सोच लेते ससुर जी, मैं कह रहा हूँ एक बार देख लेते तो क्या जाता तुम्हारा। और हाँ सुन रहे, तू भी इन चक्करों में मत पड़ना दवाइयों के। हाँ बात सुनो मेरी, साथ नहीं दे सकते ना तो अपना मशवरा भी नहीं जेब में रखो, समझे? हाँ। अबे मैं तो लेथ मशीन पे अपना दिमाग तेज करवा लूंगा, तू क्या करेगा? अकल तो थी नहीं, गंजे भी हो जाओगे। अरे लड्डू, अरे लड्डू लड्डू, मुझे यार तुमसे काम था। अरे ऐसा क्या काम था, मुझे देखते खुश हो गए। मुझे तुमसे जरूरी काम था, क्या था याद नहीं आ रहा यार। जब याद आ जाए तब आ जाना, मेरा दिमाग नहीं खराब करो। चलो। अरे नहीं नहीं, अभी भूल गया हूँ, क्या करूँ यार, आजकल दिमाग सही तरह काम नहीं कर रहा, कोई हल बताओ यार। इस बंजर जमीन पे ना फसल नहीं उगने वाली। हाँ यार तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे अच्छा ये देखो, ये मेरे हाथ में क्या है? उंगलियाँ। कॉमेडी कर रहे हो? अरे यार मेरे हाथ में पर्चा है, ये देखो पढ़ो इसे। मीडिया प्लस प्लस दिमाग तेज करने वाली दवाई। मीडिया नहीं, मेडी प्लस प्लस दिमाग तेज करने की दवाई, ये लेने जा रहा हूँ। वाह क्या बात है लड्डू, मेरे लिए भी ले आओ। क्यों, तुम्हारा नौकर लगा हूँ मैं, तुम्हारे लिए भी ले आओ। चलो यार, आजकल वैसे इतने झमेले और ऊपर से दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा ठीक है, अब तुम कहते हो तो कर ही देता हूँ, 5,000 रुपए दो मिल जाएंगे। 5,000 रुपए मियाँ, पूरे साल के लिए नहीं चाहिए, बस एक बारी के लिए ले आओ। मैंने कहा था ना तुम्हारे बस की बात ही नहीं है प्यारे, मियाँ फोकट में मेरा टाइम खराब किया तुमने, जाओ यार। अरे नहीं नहीं सुनो, अरे यार नाराज क्यों होते हो, कहाँ गए ये लो है? और बात सुनो, जरा संभल कर जाना है और देखभाल कर आना, तब तक तुम अपना टकला बचाना। मैं बहुत शरीर है,
हर वक्त हंसाता रहता है। अब दिमाग काम करेगा। अरे ये तो मेरा घर नहीं है यार। वाह, वैसे तो लड्डू तेरा दिमाग वैसे ही चलता है, मगर ये पीने के बाद ना टुक 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 दौड़ेगा। थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? लगता है लाइट गई भी है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ससुर जी, मम्मी जी, हनी, मुझ। लेकिन अगर मैं शोर मचाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा। ससुर जी, बैठो ना, चाय तो पी के जाओ। काफी देर हो गई, कहाँ रहेगी तुम्हारी चाय? बस आती होगी, मैं बुलाती हूँ अभी। लड्डू, लड्डू! नहीं, लड्डू नहीं खाना मैंने, बस चाय। अरे लड्डू मेरे शौहर का नाम है। ओ अच्छा, फिर ठीक है। लड्डू चाय खाए। लड्डू, तुम अंदर हो गए हो क्या? नहीं, मैं अंधा तो नहीं हूँ, मुझे तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखे। फिर गिरे कैसे? ओह, आपकी दोस्त है ना, उसको देख रहा था, बस उसी वजह से गिर गया। और तुम चलो उठो, निकलो यहाँ से, निकलो। लेकिन चाय वो पड़ी है ना जमीन में, उठो और चाट लो, निकलो। खुद ही पी लो, बताती हूँ ना, खुद ही पी लो। हाँ अब बताओ तुम क्या बोले थे मुझसे। हाँ क्या बोले थे? हनी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लड्डू तुम कितना झूठ बोलते हो ना। ठीक है अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ कमरे पे और मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, चलो। लो हदी हो गई, जिंदगी में पहली बार बेगम से सच बोला और वो झूठ समझ रही। यार ओए ओए, अभी तो काफी टाइम है, काफी टाइम है। ससुर जी आप हैं यहाँ पे? हाँ, क्या हो गया, कैसा सवाल कर रहा है, क्या क्या अंधा हो गया है? हाँ ससुर जी, मैं अंधा हो गया हूँ। क्या आपको याद है मैंने वो दवाई बताई थी आपको? हाँ हाँ, वो मेडी प्लस माइनस। नहीं नहीं, प्लस माइनस नहीं, मेडी प्लस प्लस। मैंने वो दवाई पी और मेरी बिनाई चली गई ससुर जी। अरे यार, कितना मना किया था, कितना मना किया था तुमसे, कोई ऐसी दवा नहीं पीना। कुछ भी करें ससुर जी, मुझे बचा लें। अरे तो मैं क्या करूं यार, मैं क्या आंखों का डॉक्टर हूं यार। डॉक्टर? ससुर जी क्या बात है, क्या आइडिया है, आंखों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर बुला ले। अब तेरे लिए आंखों का डॉक्टर बनूंगा मैं। नहीं नहीं, आप ना बने, आप आंखों के डॉक्टर को बुला लें। हाँ यार, ये हो सकता है यार। ससुर जी जल्दी करें, मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मेरी बनाई चली गई। आपको आपको तो पता ना, अगर मैंने किसी को बता दिया तो क्या होगा? अबे मुझसे ज्यादा इस घर के बारे में कौन जानता होगा यार। तो ससुर जी किसी को बुला लेना, जल्दी से, जल्दी से बुला ले प्लीज। अच्छा अभी एक मेरा दोस्त है, उसकी बीवी आंखों की डॉक्टर है,
अभी अभी उसकी दोनों आंखों के मोती का ऑपरेशन हुआ है। उसका अपना ऑपरेशन हुआ है तो मेरा ऑपरेशन कैसे करेगी? अबे हाथों का ऑपरेशन नहीं हुआ है, कर देगी यार वो। मगर आंखों से देखना तो जरूरी है ना ससुर जी। हाँ। मुझे नहीं पता, कुछ भी करें जल्दी से बुला ले प्लीज ससुर जी। ठहर जा, आराम आराम आराम, नंबर से उठा ले बस। फोन किया? फोन कर रहा हूँ यार। किसे कान से तो लगाए अपने? हेलो, चेक कर ले, सब चेक कर ले। वो ससुर जी, मुझे तो आप पे भरोसा ही नहीं है ना। अच्छा नहीं है, जा नहीं कर। नहीं है, 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 है। बुलाया ना। हेलो, हाँ मैं आ गया घर के। भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, हैं? बहुत शुक्रिया तुम मुझे यहाँ तक छोड़ के मेरे घर पे। जाओ अब तुम अपने घर जाओ। हाँ किसी भी तरह से मेरी आंखें वापस आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अरे कैसे? हाँ इंसान, कौन कौन? अरे मैं प्यारे मियाँ। प्यारे प्यारे मियाँ? भाई बहुत अच्छे, दवाई खाते ही दिमाग ही नहीं मिल रहा, आप पहचानोगे भी नहीं। मैं क्या बताऊँ आपको प्यारे मियाँ। कुछ तो बताओ, आखिर पैसे दिए हैं। प्यारे मियाँ आप अभी जाएं, आप शाम को आके ना अपने पैसे वापस ले जाइएगा और दवाई को ना आप भूल जाएं। जाएं? किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा, मुझे दवाई चाहिए बस। आप मेरी बात समझे नहीं प्यारे मियाँ, मैं कह रहा हूँ ना दवाई को भूल जाएं, आप जाएं। सब समझ रहा हूँ मैं, तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं ज़हीन हो जाऊं। अरे नहीं प्यारे मियाँ, ऐसी बात नहीं है, आप जाएं। मैं कहता हूँ शराफत से दे दो, वरना मैं सबको बुला के बता दूंगा कि तुमने मेरे पैसे खाए हैं। अरे नहीं 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 प्यारे मियाँ, मैं अच्छा मैं देता हूँ आपको दवाई। अच्छा ये लें, कहाँ गए ये लें। प्यारे मियाँ देखिए इसे यहाँ मत पीजिएगा, अपने घर जाएं और वहां जाके पीजिएगा, ठीक है? जाओ। अरे वाह, ये हुई ना बात। जाओ अब मैं चलता हूँ। जाओ अल्लाह अल्लाह मालिक है तुम्हारा, अभी जाओ। चलो कम से कम मेरे इस गम में कोई तो शामिल होगा, मैं अकेला नहीं हूँ मैं। हाँ अल्लाह ही बचा लेना। इसको दिखाई नहीं दे रहा मरीज कहाँ बैठा हुआ है? मरीज ये डॉक्टरनी की दाढ़ी कैसे निकल आई? आइए डॉक्टरनी साहिबा, मैं आपको। नहीं नहीं ये ससुर जी है, ससुर जी आप बैठे। डॉक्टरनी साहिबा मैं बताता हूँ। हाँ हाँ बताएं बताएं, क्या क्या हुआ था? वो दवाई थी दिमाग तेज करने वाली, मैंने आधी दवाई पी ली, मेरी बिनाई चली गई, मैं देख ही नहीं सकता। लो भाई और बनो डेढ़ होशियार। ससुर जी आप डॉक्टरनी को लेकर आए या किसी उस्तानी को? जब से आइए नसीहत ही कर रही है मुझे। अरे भाई कोई मसला नहीं है, सब बेहतर हो जाएगा। मगर कैसे? अरे भाई कुछ दिन अंधे रहने में मुश्किल होगी और फिर उसके बाद फिर आदत पड़ जाएगी। हैं? तो क्या कैसी बातें कर रही है आप? अरे ये मेरा दामाद है भाई, गर्दमार। ओ हो तो ये बात है, मैं दवा लिख देती हूँ, दो तीन दिन में नजर आना शुरू हो जाएगा। नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं दवाई लिखो, दवाई तो खाई थी जो मेरे साथ ये हो गया। अरे भाई जो दवा नहीं खानी थी वो खा ली है, अब जो खानी है वो खा नहीं रहे। ये इंसान है या गधा है? इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। फिर तो ये अंधा ही ठीक है। अरे नहीं डॉक्टरनी साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरा ही मान गई। लाइन लिख दे मैं खा लेता हूँ। अच्छा भाई ये दवा लिख के दे रही हूँ, खा लोगे तो अच्छा होगा और अगर नहीं खाओगे तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्या मतलब? इनको दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है ना? नहीं 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 मेरी फीस की जरूरत है। क्या कह रही हैं आप जी? आजकल महंगाई देखें कितनी हो गई है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, सब्जी देखें कितनी महंगी हो गई है। डॉक्टर साहब बजट बाद में बना लेना, पहले दवाई लिख दो, मैं खा लूं, मैं ठीक हो जाऊं। दवाई लिख दे, मैं ले आऊं जाके। लिख दो भाई, देखो अगर खा लोगे तो अच्छा होगा, नहीं खाओगे तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्या मतलब क्या मतलब? ये दवा मैंने लिख दी है, मंगवा के खा लेना। लेकिन इसमें तो कीड़े मकोड़े बने हुए भाई। मेडिकल स्टोर वाले को दे दीजिएगा, समझ जाएगा वो। माफ कीजिएगा आजकल जरा नजर थोड़ा मुझे कम आ रहा है। मैं छोड़ा हूँ क्या आपको?
कैसी डॉक्टर नहीं थी ये? जैसी भी थी सही थी बिल्कुल। हैं? अब तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आता हूँ। मैं तो बैठा वही हूँ। सुने बात, सुने बात, तो सुने मेरी, किधर जा रहे हैं? बात मुझे पता है किधर कर... वो मेरे बिजनेस पार्टनर का फोन भी आया था, वो पूछ रहे थे कि आप आ रहे हैं या नहीं। हाँ वो बस मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैं बिजनेस सोच के आया हूँ। मैं चाह रहा हूँ असल में कि दवाई बनाने का काम शुरू करूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आजकल के दौर पे हर दूसरा आदमी मेडिसिन खा रहा है। ये कौन सा है? मैं इनका शौहर हूँ भाई। ओहो अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये बताइए किस किस्म की दवाइयाँ बनाते हैं आप? हम असल में किसी मर्ज की दवा नहीं बना रहे, हम दिमाग की दवा बना रहे हैं। लेकिन देख के शुरू करिएगा भाई, क्योंकि इसमें बड़ी पेचीदगियां हो सकती हैं। गुलाम, ये घर का काम नहीं है जो आपकी समझ में आए, आप खामोश रहें। जी नहीं नहीं, हम असल में दिमाग तेज करने वाली दवा बना रहे हैं। अरे वाह जबरदस्त अंकल। एक मिनट एक मिनट, आपको पता है मेरे एक दोस्त ने ये दिमाग तेज करने वाली दवा खाई थी, अंधा हो गया था। अंधा? जरूर किसी फराड़ी से वास्ता पड़ा है आपका। वैसे क्या नाम सोचा है अपनी दवाई का? मेडी प्लस प्लस, और इसके तो सैंपल भी मार्केट में आ चुके हैं। मम्मी जी, ससुर जी। हाँ ससुर जी। हाँ मम्मी जी, ससुर जी, ये वही फराड़ी है, यही वो फराड़ी है, पकड़ पकड़ लो उसको। अबे हुआ क्या? ससुर जी वो जो दवाई मैंने खाई थी ना ससुर जी, वो दवाई ये देखे ससुर जी, ये देखे। अरे लड्डू तुम अपने होश में तो हो? देखो 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 उसको। अबे हाँ अरे मैं अंधा हो गया, नहीं छोड़ूंगा लड्डू। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद।